बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर डिस्कशन ऑन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस पास्ट पेपर में भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट है। LHV का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट लाजमी पूछी जाती हैं। सो, आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है ताकि आपके कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सो, हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। थर्ड स्टेज होती क्या है? ठीक है, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर्स डील्स विद द सेपरेशंस एंड द एक्सपल्शंस ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेज में आपको स्टूडेंट पता है सिंपल जो है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन सेपरेट होता है और एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, सबसे पहले उसको हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है, यूट्रस से, यूट्रस की लेयर से, और फिर उसके बाद एक्सपेल करेंगे, आउट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल स्टूडेंट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस स्पेशली PPH पोस्टपार्टम हैमरेज। हमने कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना है। ठीक है, स्पेशली जो है पोस्टपार्टम हैमरेज आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो PPH होती है वुमेन को प्राइमरी और सेकेंडरी PPH में भी चली जाती है। ठीक है, उससे हमने प्रिवेंट करना है। ओके, स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी है और दूसरा स्टेप एक्टिव मैनेजमेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें स्टूडेंट केयरफुल वॉच करना होता है, जिसमें कुछ चीज़ें मैंशन हैं, ऑलवेज कीप कॉन्स्टेंट वॉच। ठीक है, हमने कॉन्स्टेंट वॉच करना है वुमेन को, पेशेंट को कॉन्स्टेंट हमेशा वॉच करना है। इफ़ द मदर हैज़ डिलीवर्ड इन लेटरल पोजीशन, अगर मदर ने लेटरल पोजीशन में बेबी को डिलीवर किया है प्लेसेंटा को, देन उसको हमने चेंज करके डॉर्सल पोजीशन में कर देना है। ठीक है, द मदर इज़ कैथराइज वंस मोर। ठीक है, मदर को जो कैथराइजेशन है फॉलिस कैथरेटर उसका चेंज कर देना है, उसको वंस अगेन एक दफ़ा दोबारा लगाना है, ताकि जो प्रीवियस वाला है कैथरेटर ज़्यादा टाइम लगाने से उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। ठीक है, देन हमने स्टूडेंट्स नोटिंग द साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, प्लेसेंटा की सेपरेशन के हमने साइन नोट करने हैं। ठीक है, देन प्लेसेंटा को सेपरेट करना है और उसके बाद उसको एक्सपेल आउट करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है पहले इस प्लेसेंटा सेपरेट करेंगे देन उसको एक्सपेल करेंगे। ठीक है, असिस्टेड एक्सपल्शन। ठीक है, असिस्टेड एक्सपल्शन मींस अगर कोई बाय चांस पीस ऑफ प्लेसेंटा या बाइट ऑफ पीस अगर कोई रह जाता है, तो उसको हमने जो असिस्ट जो भी अटका हुआ पीस है उसको किस तरह हमने एक्सपेल करना है, उसके लिए स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ फंडल प्रेशर एंड CCT। ठीक है, सबसे बेस्ट है कंट्रोल्ड कोर्ड ट्रैक्शन। फंडल प्रेशर, फंडस के ऊपर हम प्रेशर देंगे और CCT करने की वजह से जो है हम असिस्टेड एक्सपल्शन कर सकते हैं। देन हमने स्टूडेंट मसाज ऑफ यूट्रस करना है, एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड कोड, उसके अलावा इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन मींस मुआयना करना है, जो हमारे पास पेशेंट है वुमेन है उसका मुआयना करना है, वजाइना का, वल्वा का और प्रीनियम एरिया का। ठीक है, प्रीनियम्स जो एरिया है एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम फोर्च टू एनस। ठीक है, इसमें कोई कट वगैरह, कोई इंजरी, इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज़ों को हमने इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन करनी है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमने कंडीशन ऑफ मदर देखनी है, जिसमें पल्स, BP, बिहेवियर ऑफ यूट्रस, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। देन हमने स्टूडेंट एक्टिव मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सी मैनेजमेंट की है? पहले हमने वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी की है, देन हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ही हमारा मेन काम है। इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? टू एक्साइट द पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फॉलोइंग द बर्थ ऑफ हेड। ठीक है, बर्थ ऑफ हेड के बाद हम चाहते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पावरफुल हो, जिससे एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो, और वो कैसे होगा? विद इन शॉर्ट टाइम में ऑक्सीटोसिन की मदद से। ऑक्सीटोसिन स्टूडेंट हमें फैसिलिटेट करेगा और अर्ली सेपरेशन में हेल्प आउट करेगा। ओके स्टूडेंट, प्लेसेंटा की अर्ली सेपरेशन में जो है वो हेल्प आउट करेगा, ये हमारी एक्टिव मैनेजमेंट का मेन प्रिंसिपल है। देन स्टूडेंट इसका हम एडवांटेजेस देखते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, टू मिनिमाइज ब्लड लॉस इन थर्ड स्टेज है। ठीक है,
पेशेंट का जितना हो सके ब्लड लॉस है उसको हमने प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज उसका ब्लड लॉस हो, ठीक है, ये हम चाहते हैं। देन टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारी जो ड्यूरेशन है थर्ड स्टेज का वो शॉर्ट हो जाता है, ये हमारा इसका एडवांटेज है, ठीक है, अगर हम इस थर्ड स्टेज को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज। देन प्रोसीजर कैसे करना है वो देख लेते हैं। दो एक्टिव मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट हमने देने हैं और इंजेक्शन मेथार्जन 0.2 mg, IM या IV लगाना है, ठीक है। IM और IV कब लगाना है? फॉलोइंग द बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर, जब एंटीरियर शोल्डर की बर्थ हो जाएगी, आफ्टर द बर्थ ऑफ हेड, ठीक है, एंटीरियर शोल्डर जब डिलीवर हो जाएगा देन हमने जो है IM IV मेथार्जन ऑक्सीटोसिन हमने 5 यूनिट दे देने हैं, ठीक है। दिस फॉलोड बाई द स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी 2 to 3 minutes, ओके, 2 to 3 minutes के अंदर जो है वो स्लो डिलीवर हो जाएगा बेबी, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली। इसके अलावा जो है द प्लेसेंटा एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ बटक्स, ठीक है। प्लेसेंटा आपको पता है कब डिलीवर होगा, जब बटक थाई की डिलीवरी होगी तो देन प्लेसेंटा नहीं डिलीवर होना है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन वगैरह डिलीवर होंगे। If the placenta is not delivered, then it is delivered by the CCT, control cord traction, by chance, ठीक है। Some cases में ऐसा होता है कि जो placenta है वो deliver नहीं हो पाता, ठीक है, तो हमने CCT एक method है जिसके ज़रिए जो है हाथ पे cord को round करके उसको हम CCT control cord contraction की मदद से जो है traction की मदद से उसको placenta को बाहर निकालते हैं, separate करने की कोशिश करते हैं, expel करने की कोशिश करते हैं। If first attempt fail, another attempt is made after 2 to 3 minutes, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप फेल हो जाते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट आपकी फेल हो जाती है, देन आप ट्राई कर सकते हैं अगेन, 2 to 3 minutes बाद आपने अगेन ट्राई करना है, ठीक है, अपने आप को एक चांस देना है, 2 to 3 minutes बाद आपने ट्राई करना है। इफ इट इज़ ऑल्सो फेल देन क्या करेंगे, देन अनदर अटैम्प्ट इज मेड एट 10 minutes, देन आपने क्या करना है स्टूडेंट 10 minutes बाद दोबारा से एक ट्राई करनी है, एक और अटैम्प्ट करना है। इवन इट दिस ऑल्सो फेल, अगर ये भी इस कोशिश में भी आप नाकाम हो जाते हैं देन आपने क्या करना है, मैनुअल रिमूवल इज़ टू बी डन, ठीक है। तो इसका लास्ट हल यही है कि आपने मैनुअली बाय द यूज़ ऑफ हैंड, बाय द हेल्प ऑफ हैंड आपने मैनुअली प्लेसेंटा को रिमूव करना है, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नोट्स आपको मिल सकें।